नमस्कार, मैं प्रिया। आइए आपको ले चलते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों पर। हजारों लोगों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम के द्वारा किया गया रेस्क्यू। पटना जिले के जलजमाव क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अब तक लगभग हजारों लोगों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू के जरिए विभिन्न इलाकों से सुरक्षित निकाला जा चुका है। जिसके अलावा डीएम कुमार रवि ने एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीम की 33 बोट के साथ 75 ट्रैक्टर एवं वाहनों का प्रयोग कर प्रभावित परिवारों को फूड व शुद्ध पेयजल का वितरण किया जा रहा है। साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था के साथ स्टाफ की सुविधा दी गई है। बता दें कि राजधानी में 4 जगहों पर लिट्टी केंद्र एवं 6 जगहों पर दूध का वितरण किया जा रहा है। दशहरा के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द किया गया। बता दें कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 29-30 सितंबर व 4-5 अक्टूबर को अनुराधा पौडवाल की गजल कार्यक्रम होनी थी, जिसे बारिश की वजह से उत्पन्न हालातों को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। साथ ही 4 अक्टूबर को नवीन प्रभाकर एवं भानुशाली द्वारा कॉमेडी शो का आयोजन किया गया था, लेकिन इसे भी रद्द कर दिया गया है। पटना जंक्शन से चलने वाली ट्रेनों को अब दानापुर में ठहराव। पटना जंक्शन पर जलजमाव की वजह से सभी ट्रेनों को हो रही असुविधा की वजह से सावधानी बरतते हुए पूर्व मध्य रेलवे के जल संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि 30 सितंबर के बाद से इस मार्ग से गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों को दानापुर स्टेशन पर ठहराव के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि कई ट्रेनों के रूट को छोटा कर दिए जाने के साथ कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। बारिश के लगातार होने की वजह से सिवान जिले के गुठनी सिसवन इलाके के सरयू नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से इसका जलस्तर 60.83, दरौली में 60.44 एवं सिसवन में 56.91 पर है, जबकि दरौली में सरयू नदी जहां 35 सीएम खतरे के निशान से नीचे बह रही है, वहीं सिसवन में 9 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय लोगों को धान व अरहर की फसल डूबने की चिंता सता रही है। आरा-बक्सर हाईवे पर चढ़ा गंगा नदी का पानी। आरा-बक्सर NH-84 पर गंगा नदी के जलस्तर बढ़ जाने से नदी का पानी सड़क से 2 फीट ऊपर बहने लगा है, जिसके बाद हाईवे पर छोटी से बड़ी सभी गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया है। ज्ञात हो कि यह NH-84 उत्तर प्रदेश के बलिया सहित वाराणसी को भी बिहार की राजधानी पटना से जोड़ती है, जबकि आरा एवं मोहनिया सड़क NH-30 से जुड़ी हुई है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संघ के सचिव जहानाबाद के संजय व अध्यक्ष बने गोपालगंज के राकेश। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव रवि शंकर प्रसाद ने बिहार क्रिकेट की नई टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि बिहार क्रिकेट विकास पर चल पड़ा है। बता दें कि पटना में हुए BCA बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में गोपालगंज के राकेश ने समस्तीपुर के प्रवीण को 13 मतों से हराकर 23 मत हासिल किया। बिहार के पटना सहित अन्य जिलों में सामान्य से अधिक हुई बारिश, आज से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार यानी आज से बारिश से राहत मिलेगी। बता दें कि बंगाल की खाड़ी से राज्य की तरफ मजबूत लाइन बनने की वजह से बारिश की शंका जताई जा रही थी, जो कि आज से कुछ राहत मिलने की संभावना है। भारी बारिश के कारण टूटे बिहार के 4 नदियों के बांध। राज्य में बारिश और नदियों के पानी से बढ़ने से 4 नदियों के बांध टूट गए हैं। इसमें नालंदा जिले में 3 और जहानाबाद जिले में 1 नदी का बांध शामिल है। बांधों के टूटने से नदियों का पानी आसपास के इलाकों में फैल गया है। आपको बता दें, ये सभी बांध जल संसाधन विभाग के हैं। केजरीवाल के बयान पर भड़के मनोज तिवारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली आकर इलाज करवाने वाले लोगों पर निशाना साधा है, बल्कि सिर्फ बिहार के लोगों पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बाहर से आए हुए बहुत से लोग ऐसे हैं जो इलाज करवाने आते हैं। बिहार से एक आदमी 500 रुपये का टिकट लेता है, दिल्ली आता है और 5 लाख रुपये का ऑपरेशन फ्री में करवाता है, जिसके बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि एक बार फिर उन्होंने घृणा का भाव दिखाया है। अगर बिहार के लोग दिल्ली में इलाज करा रहे हैं तो इससे अरविंद केजरीवाल का कलेजा क्यों फट रहा है? 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने तो नहीं की, यह व्यवस्था मोदी जी ने की है, जिसे हम आयुष्मान भारत बोलते हैं। डूबते बिहार पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार चमकत बा। बिहार की राजधानी पटना में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार के इस भयानक हालात पर लोग तंज कसने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कडे काटजू भी बिहार की मदद के लिए तो नहीं, मगर इस हालत पर तंज जरूर कसने के लिए सामने आए हैं। उन्होंने भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा है कि बिहार चमकत बा। बारिश से प्रभावित रेलवे से मिली थोड़ी राहत। पटना सहित आसपास के इलाकों में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश अब थोड़ी थम गई है, जिसके पश्चात ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने पटना होकर गुजरने वाली अप एंड डाउन की लंबी दूरी की जिन ट्रेनों का रूट बदला था,
उनमें से कुछ ट्रेन का परिचालन फिर से बहाल कर दिया गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के CPR राजेश कुमार ने बताया कि रेलवे विभाग ने दूसरे रूट से चलाई जा रही 9 ट्रेन अब फिर से पटना के रास्ते चलाने का आदेश जारी किया गया है। बिहार की फसलों पर भी टूटा पानी का कहर। हथिया नक्षत्र में 4 दिनों से हो रही बारिश का असर अब धान की फसल पर होने की संभावना है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार जिन इलाकों में जुलाई के शुरुआत में रोपनी हुई है वहां फसल में अब दाना आने की शुरुआत हो चुकी होगी। ऐसे में इतनी अधिक बारिश फसल को खराब कर सकती है। कृषि विभाग के अनुसार नॉर्थ बिहार, मधुबनी, किशनगंज, अररिया व सुपौल, दरभंगा से लेकर अन्य जिलों में फसलों के खराब होने की स्थिति बनी हुई है। राजधानी पटना में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर डूबते पटना की स्थिति पर जनतांत्रिक विकास पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि 14 साल के विकास के बाद बिहार का एकमात्र शहर पटना बारिश के पानी में डूब गया है। बारिश तो कांग्रेस और राजद के शासनकाल में भी खूब हुए, मगर क्या वजह है कि इस बारिश में आज पटना में लोगों के बेड तक पानी पहुंच गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बारिश ने नीतीश कुमार के स्वघोषित विकास की पोल खोल के रख दी है। बारिश का कहर सरकारी बंगलों पर भी दिखा। बिहार की राजधानी पटना में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित है। बारिश के कहर ने सरकारी आवास को भी नहीं बख्शा। सबसे बुरी स्थिति तो बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार की हो गई है। स्थिति यह हो गई है कि उनका आवासीय कार्यालय पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। उनका चैम्बर भी पानी से लबालब है। ग्राउंड फ्लोर के सभी कमरे पानी से लबालब है, जिसके पश्चात मंत्री जी ने आवास के ऊपरी तल्ले पर शरण ले लिया है। भारी बारिश के कारण 10 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। बिहार की राजधानी पटना में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रशासन ने सभी निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। इन स्कूलों की तरफ से अभिभावकों को SMS भेजकर स्कूल बंद होने की सूचना दे दी गई है। वहीं डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल ने अभिभावकों को मैसेज कर बताया कि 10 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा जिन स्कूलों ने अब तक छुट्टियों का ऐलान नहीं किया है उन्हें भी जिला प्रशासन के आदेश का इंतजार है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आदमी से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक मां दुर्गा की भक्ति में लीन है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर भोजपुरी संगीतकार खेसारी लाल यादव की आवाज़ में माई बुलावेली गाना काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो को अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा के व्यूज़ मिल चुके हैं। आपको बता दें कि माई बुलावेली को लिरिक्स पवन पांडे ने दिया है। नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य पर खेसारी लाल का यह गाना लोगों को खूब भा रहा है। राजभवन में आयोजित गुमला और देवघर कार्यक्रम में क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी अपनी बेटी जीवा के साथ राष्ट्रपति से मिलने पहुंची। कुछ देर तक राष्ट्रपति ने धोनी दंपति से बातचीत की। इसके अलावा IIM रांची के निदेशक SK सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल और विनय सरावगी राष्ट्रपति से मिलने वालों में प्रमुख लोग रहे। लगातार हो रही बारिश के कारण कई लोग परेशान हैं तो कई लोगों के चेहरे पर खुशी भी आ गई है। इसी बीच नवादा जिले की अगर बात करें तो नवादा जिले में बीते 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने पेयजल संकट को एक तरह से दूर कर दिया है। पिछले 1 महीने तक जिन भी गांवों के सामान्य चापाकल सूखे पड़े थे उन सब में पानी आ गया है। इस बार की बरसात ने PHED विभाग को भी बड़ी राहत दी है। विभाग के कार्यपालक अभियंता से लेकर फील्ड के कर्मी खुश है। पानी का लेयर इस कदर आया कि चापाकल स्वयं भी बिना हैंडल मारे ही पानी दे रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड में संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। अगले महीने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। यह तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल 13 अक्टूबर से संभाल सकते हैं। 1975 के बाद दिखा ऐसा जलजमाव। पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश ने आम जनजीवन को त्रस्त कर रखा है। कई इलाकों में जलजमाव 6 फीट ऊपर हो गया है। लोग खाने पीने का सामान नहीं होने के कारण काफी ज्यादा परेशान हैं। पाटलिपुत्र इलाके के पूर्व मुख्य सचिव BS दुबे समेत कई IAS IPS समेत आम लोग घिर चुके हैं। दुबे ने बताया कि 1975 के दौरान वह पटना के DM थे। 1975 की बाढ़ के बाद पहली बार पटना में ऐसा जलजमाव हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री ने खुलवाए फरक्का बराज। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की पहल पर फरक्का बराज के सभी 119 गेट को खोल दिया गया है। इससे गंगा नदी में बहाव तेज होगा और जल स्तर भी तेजी से घटेगा। साथ ही बिहार के बड़े हिस्से को बाढ़ से राहत मिलेगी। रविशंकर प्रसाद ने रविवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और फरक्का बराज का गेट तुरंत खोलने की पहल की।
बिहार को मिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब। बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन एवं दरभंगा जिला बॉल बैडमिंटन संघ की ओर से उच्च विद्यालय तारालाही में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर राज्य बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में बिहार को राउंड रॉबिन लीग के बेहतर अंकों के आधार पर विजेता घोषित कर दिया गया है, जिसमें ओडिशा को उप विजेता एवं पश्चिम बंगाल को तीसरा स्थान मिला है। बता दें, इस चैंपियनशिप में बिहार पुरुष एवं महिला टीम सहित बिहार के अन्य राज्यों ने भी हिस्सा लिया था। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दी अपनी बहू ऐश्वर्या को आवास में एंट्री। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय को 12 घंटे के धरने पर रहने के बाद उनके पिता चंद्रिका राय एवं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद उनकी सास राबड़ी देवी ने घर के अंदर एंट्री दे दी है। बता दें, ऐश्वर्या के अनुसार उनकी सास राबड़ी देवी व ननद मीसा भारती ने उन्हें घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था व दरवाजे के सुरक्षाकर्मी को गेट ना खोलने का आदेश दिया था, जबकि ऐश्वर्या का कहना है कि अभी उनका तेज प्रताप यादव के साथ तलाक नहीं हुआ है और ससुराल में रहना उनका हक है। प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा अपने आवास राजेंद्र नगर में फंसी। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि मैं अपने राजेंद्र नगर के घर में पानी में फंसी हुई हूं, कोई मदद नहीं मिल पा रही है एवं एनडीआरएफ की राफ्ट तक पहुंचना भी असंभव है। पानी महक रहा है, काश कि भारत में एयरलिफ्ट की सुविधा होती, अगर कोई रास्ता हो तो बताएं। बता दें, पटना के राजेंद्र नगर कंकड़बाग सहित इलाकों में अभी भी बुरी तरह से वाटर लॉगिंग की समस्या है। सरकार के इंतजाम के बावजूद अभी भी कई लोग वहाँ फंसे हुए हैं। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे कई निगम। भारत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने देश भर में प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट के इस्तेमाल एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है, जिसे 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से मनाही हो जाएगी। साथ ही 1 अक्टूबर 2019 से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल जाएगा। SBI बैंक में 1 अक्टूबर से 50 से 75% कम बैलेंस रखने वालों को 12 रुपये और GST देना होगा एवं SBI क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डीजल खरीदने पर अब आपको 0.75% कैशबैक नहीं मिलेगा, जो कि पहले मिलता था। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।